हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं विजय टिप्स यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हम अपना आज पीआरटी की इन्वायरमेंट स्टडी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, इन विच ईयर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेड इन्वायरमेंटल एजुकेशन एज कंपल्सरी सब्जेक्ट एट ऑल द लेवल्स ऑफ एजुकेशन। मैंने सुप्रीम कोर्ट ने कंपल्सरी एजुकेशन की वो 2003 के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एन एक्वाटिक प्लांट इंट्रोड्यूस फ्रॉम अमेरिका टू चेक पोल्यूशन बट इट टर्नड आउट टू बी ए ट्रबलसम नीड इन इंडिया। वाटर बॉडी इज द नेम ऑफ दिस इन्वेसिव एलियन स्पेसीज इज इकोरिया, सी ऑप्शन। इन वेस्ट मटीरियल कंटीमेंट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विच द फॉलोइंग डिजीज विल बी स्प्रेड, मलेरिया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज नॉट क्रिएटेड बाय noise pollutions is the diarrhea। The expanded form of GIS means का मतलब होता है geographical information system। And the next questions हमारे पास, अगर हम देखें MOEF का mean, MOEF का मतलब होता है management of environmental and the forestry, D option। And next, we should not cut trees in order to prevent this the chipko andolan, the chipko movement, ये चलाया गया था हमारे पास सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। एंड द तंबाकू एडिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू निकोटीन, निकोटीन के कारण होता है ये हमारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 हमारा, कैरियर ऑफ डेंगू डिजीज इज एडिस मॉस्किटो, ए ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर स्टूडेंट आस्क यू टू टेक देम टू टाइगर स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यू विल सिलेक्ट टू द टेक देम, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर टोटल वर्ल्ड के लगभग 10% तक टाइगर पाए जाते हैं और इंडिया का भी हम कह सकते हैं 19-20% तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम स्पीड, लाइट, लाइट की सबसे मैक्सिमम स्पीड है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। यू टेल, क्वेश्चन नंबर 132, यू टेल यूर स्टूडेंट्स डैट कुकिंग हैज़ यूज इन किचन इज CNG, एंड वट इज़ द फुल फॉर्म CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। And the next question, the process of solid changing into liquid upon the supply of heat is called melting। मतलब कि ताप की पूर्ति तो ठोस के तरल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को पिघलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड ट्रेवल्स फास्ट, साउंड सबसे ज़्यादा फास्ट किस में चलता है, सॉलिड के अंदर। एंड वट टाइप ऑफ रेडिएशन इज ट्रैपड ऑन द अर्थ सर्फेस बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट, IR, इंफ्रारेड रेज हमारे पास जो है वो इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 हमारा, द साइंस डैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंटल इज नोन एज, इस चीज़ के अंदर जहाँ हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 5 जून को मनाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 138 नेक्स्ट, हाउ विल यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द इटोरिफिशियन टू योर स्टूडेंट्स इन ए सिंपल वे, इसका मतलब होता है इनरिचमेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन वाटर बॉडीज, मीन्स जल इकट्ठा विच पैदा पोषकों की संपन्नता। क्वेश्चन नंबर 139, विच एटमोसफीयरिक लेयर जो धरती के सबसे नज़दीक है, ट्रोपोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम का, फंगी जो एक बायो, हमारा एक बायोटिक कंपोनेंट है हमारे पास। एंड क्वेश्चन नंबर 141, द नेचुरल डिजास्टर इवेंट्स लाइक बैल्कन्स अर्थक्वेक साइक्लोन्स ब्रिंग अबाउट इन्वायरमेंटल चेंजेस विच आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस है हमारी, क्योंकि ये परिवर्तन होने के बाद बदलने में बहुत लंबा समय लगता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर इन 2017 देर वॉज स्मॉग इन द इन्वायरमेंट, उस एक्चुअली वो स्मॉग किस चीज़ का कम्बिनेशन था, वो स्मॉग एंड फोग का कम्बिनेशन। क्वेश्चन 142 था ये। क्वेश्चन 143, डिसीज द सॉइल फर्टिलिटी थ्रू रैपिड लिंचिंग ऑफ द एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स इज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई तो करके होता है सारा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ क्लोरिया एंड द टाइफाइड, इज आंसर इज बैक्टीरिया। एंड द नेक्स्ट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मीन्स LPG किस चीज़ का मिक्सचर होता है, ये प्रोपेन एंड ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर टीचिंग योर स्टूडेंट अबाउट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में, हाउ विल आइडेंटिफाई द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज बताना है हमें नीचे दिए गए में से, कोल। एंड द नेक्स्ट,
कहना यू आर टू एडवाइज द ऑर्गनाइजर्स ऑफ ए रिलीजियस प्लेस अबाउट द साउंड पोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम एवरेज प्रीमिसल नॉइस लेवल ड्यूरिंग डे टाइम आवर्स एज पर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया विल यू सजेस्ट दैम। ये हमारे पास सी आंसर होगा 50 डेसिबल, क्योंकि इंडिया के अंदर जो प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर इसको चार जोन के अंदर डिवाइड किया गया, इंडस्ट्रियल हमारे पास हम कह सकते हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड द साइलेंस जोन, और जो धार्मिक प्लेस हैं वो साइलेंस जोन के अंदर आएंगे, जो दिन के अंदर 50 डेसिबल तक और रात के समय वो 40 डेसिबल तक हो सकते हैं, अपना साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर एंड नेक्स्ट फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड एट रियो द जेनेरियो, ये 3 से 14 जून तक 1992 में यहाँ किया गया था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट आस्क यू व्हाट दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपीए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल यू सिलेक्ट द जस्टिफाई दिस एब्रिविएशंस, ईपीए की फुल फॉर्म बतानी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, दैट मीन्स द डी आंसर हमारे पास। ओके थैंक्स फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखी है विजय टिप्स यूट्यूब चैनल के ऊपर, हमने इसके अंदर पीएसटेट 2018 के इन्वायरमेंट स्टडी को सॉल्व करने की कोशिश की, कोड डी के ये क्वेश्चन थे, सभी कोड के अंदर क्वेश्चन सेम है, सिर्फ नंबरिंग चेंज है उनकी, और हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग हमारे 90% तक आंसर ठीक होने चाहिए। ये हमारे एक ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ऑफिशियल आंसर की होने के बाद आने के बाद हम आप एक्चुअल में उससे मैच करेंगे, और यहाँ इनकी हेल्प से सिर्फ आप अपने आप के मार्क्स जज कर सकते हैं। ओके थैंक्स।